जयपुर से इस वक्त की सबसे बड़ी खबर आप तक पहुंचा दें। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया है। हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हुआ है। भानुप्रतापपुर से विधायक रह चुके थे मनोज मंडावी। दुखद सूचना सामने आ रही है। राजधानी रायपुर से विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी हमारे बीच नहीं रहे। हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हो गया है। आपको बता दें कि भानुप्रतापपुर से विधायक भी रह चुके थे मनोज मंडावी। उससे पहले भी कई सारी जानकारियां उनको लेकर सामने आ रही थी, लेकिन अब ये दुखद सूचना, हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हो गया है। विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का आज दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। दफ्तरी के सर्किट हाउस में वो रुके हुए थे और सुबह उन्हें हार्ट अटैक आया। अस्पताल में जाने से पहले ही उनकी हृदय गति रुक गई और डॉक्टर्स ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। तो दुखद जानकारी सामने आ रही है। छत्तीसगढ़ से विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया है। भानुप्रतापपुर से विधायक रह चुके थे मनोज मंडावी, साथ ही अजीतों की सरकार में वो मंत्री भी रह चुके हैं। लेकिन दुखद बात ये कि विधानसभा उपाध्यक्ष मनोज मंडावी का निधन हो गया है। बड़ी खबर राजधानी रायपुर से। ज्यादा जानकारी के लिए हम रुक करेंगे अभिष मिश्रा का, रायपुर से हमारे साथ लाइव जुड़ रहे हैं। अभिष, निश्चित ही दुखद सूचना है, मनोज मंडावी नहीं रहे, क्या कुछ जानकारी प्राप्त हुई अभी तक? कांग्रेस से भानुप्रतापपुर से विधायक थे, लगातार वो तीसरी बार वो विधानसभा पहुंचे थे। इस बार उन्हें जो है विधानसभा उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी दी गई थी, बखूबी अपने जिम्मेदारियों को निभा रहे थे। देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि जो अभी खबर निकल के आई, जो अभी बातें हुई उनके परिजनों से, उनका कहना यह था कि कल ही वो चेन्नई जाने वाले थे अपने स्वास्थ्य संबंधित जांच कराने के लिए। कल का उन्हें चेन्नई जाने का उनका टिकट कट चुका था, सारी बुकिंग हो चुकी थी, अस्पताल में अपॉइंटमेंट भी मिला हुआ था, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। आज वो धमतरी के सर्किट हाउस में रुके हुए थे, वह अचानक जो तड़के सुबह उन्हें दिक्कतें हुई और अस्पताल ले जाते वक्त ही उनका निधन हो गया। मतलब कहा जा सकता है कि बेहद ही दुखद खबर इस वक्त छत्तीसगढ़ की राजनीति से कि मनोज मंडावी महज 58 साल की उम्र में हृदयघात से जो है उनका निधन हो गया। विधानसभा के उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी वो फिलहाल संभाल रहे थे। बिल्कुल दुखद सूचना अवधेश। स्पीच, ये भी आपसे जानना चाहूंगी, क्या स्वास्थ्य संबंधी कोई परेशानी रही, क्या इस बारे में कोई जानकारी सामने आई? बिल्कुल, देखिए परिजनों से जितनी बातचीत हो पाई, अभी माहौल बेहद ही गमगीन है, ज्यादा बातचीत उनसे हो नहीं पाई, लेकिन उन्होंने इतना जरूर कहा कि उन्हें थोड़ी सी दिक्कतें थी, वो हृदय से संबंधित थी कोई दिक्कतें थी, और यही वजह है कि कल वो चेन्नई जाने वाले थे, चेन्नई में जाके वो अपना चेकअप कराने वाले थे, लेकिन चेन्नई जाने से पहले आज ही उन्हें अचानक दिल का दौरा पड़ा और उसके बाद जो है उन्होंने अंतिम सांस ली। धमतरी के एक स्थानीय अस्पताल में उन्हें ले जाया गया, लेकिन वहां ले जाने से ही पहले जो उनके साथ जो थे वो कह रहे थे कि अस्पताल ले जाने से ही पहले उनकी मौत हो चुकी थी, सांसें उनकी रुक चुकी थी, लेकिन अस्पताल जाने के बाद डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित किया। निश्चित तौर पे बस्तर में कांग्रेस के लिए एक बड़ा झटका इसे कहा जा सकता है, क्योंकि मनोज मंडावी एक बड़े आदिवासी नेता के रूप में उभर रहे थे, तीसरी बार विधानसभा के प्रतिनिधित्व कर रहे थे और बस्तर कांकेर लोकसभा क्षेत्र में उनका एक अलग ही ऑरा था, अलग ही दबदबा था, कांग्रेस के कद्दावर नेता वो माने जाते थे, और यही वजह है कि विधानसभा जैसे शुक्रिया आपका इस पूरी जानकारी के लिए। तो हार्ट अटैक से मनोज मंडावी का निधन हो गया है। लगातार इसको लेकर आपको हम जानकारी दे रहे हैं। भानुप्रतापपुर से विधायक भी रह चुके थे मनोज मंडावी।